वेलकम वेलकम बैक बैक दोस्तों, दोस्तों, स्वागत स्वागत है है आपका आपका प्रिंस प्रिंस इज़ इज़ फाइजर फाइजर गेमिंग गेमिंग में। में। हम हम मौजूद मौजूद है है फिर फिर एक एक न्यू न्यू गेम गेम प्ले प्ले के के साथ, साथ, और और आफ्टर आफ्टर अ अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम टाइम आई आई एम एम बैक बैक विथ विथ माय माय न्यू न्यू गेम गेम प्ले। प्ले। तो तो इट इट वॉज़ वॉज़ अ अ वेरी वेरी बिजी बिजी टाइम टाइम लास्ट लास्ट फ्यू फ्यू डेज, डेज, इसलिए इसलिए कोई कोई गेम गेम प्ले प्ले हुआ हुआ नहीं नहीं दोस्तों, दोस्तों, सिर्फ सिर्फ शॉर्ट्स शॉर्ट्स अपलोड अपलोड कर कर रहा रहा था, था, और और हम हम अपने अपने गेम गेम में में वापस वापस आ आ चुके चुके हैं। हैं। न्यू न्यू अपडेट अपडेट के के बाद बाद पहली पहली बार बार ये ये मेरा मेरा गेम गेम प्ले प्ले है। है। तो तो आज आज चेक चेक करते करते हैं हैं एक एक न्यू न्यू मैप मैप को, को, गोथैड गोथैड पास, पास, जो जो अपने अपने अपडेट अपडेट में में आ आ चुका चुका है। है। मेरा मेरा कैमरा कैमरा थोड़ा थोड़ा ब्लर ब्लर की की आ आ रहा रहा है। है। आई आई थिंक थिंक इट्स इट्स करेक्ट करेक्ट नाउ। नाउ। तो तो हम हम अपनी अपनी पुरानी पुरानी वाली वाली ट्रक ट्रक के के साथ साथ खड़े खड़े हैं हैं एक एक जगह जगह पे। पे। ओके, ओके, तो तो यहाँ यहाँ पे पे है है स्टुटगार्ट, 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 स्टुटगार्ट स्टुटगार्ट टू टू बिगिन। बिगिन। नया नया मैप मैप कहाँ कहाँ है है भाई? भाई? नया नया मैप मैप का का कोई कोई रूट रूट ही ही नहीं नहीं अपने अपने पास। पास। न्यू न्यू रूट रूट कहाँ कहाँ है? है? अच्छा, अच्छा, ये ये ट्रेमोला ट्रेमोला के के लिए लिए कुछ कुछ नया नया वाला वाला रूट रूट है है यहाँ यहाँ से। से। मुझे मुझे लगता लगता है है ट्रेमोला ट्रेमोला के के एक एक बाद बाद हमको हमको गोथैड गोथैड पास पास मिलेगा। मिलेगा। तो तो यहाँ यहाँ से से हमको हमको ट्रेमोला ट्रेमोला जाना जाना ही ही पड़ेगा पड़ेगा फिलहाल फिलहाल जॉब जॉब लेके। लेके पहले पहले अपनी अपनी ट्रक ट्रक को को सेल सेल करके करके लेके लेके आ आ जाओ। जाओ। काफ़ी काफ़ी काम काम चल चल रहा रहा है है पीछे। पीछे। हम हम एक एक काम काम करते करते हैं, हैं, अपनी अपनी ट्रक ट्रक को को पहले पहले सेल सेल कर कर लेते लेते हैं, हैं, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी ऑलरेडी मेरे मेरे पास पास दो दो ट्रक्स ट्रक्स हैं। हैं। अपने अपने गैरेज गैरेज में में कैसे कैसे जाएं? जाएं? बहुत बहुत दिन दिन हो हो गए गए गेम गेम प्ले प्ले करके, करके, इसलिए इसलिए आज आज थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन कंफ्यूजन है। है। नाउ आई एम बैक बैक विद विद द द ट्रक्स ट्रक्स हियर। हियर। अच्छा, अच्छा, अपनी अपनी एक एक ही ही ट्रक ट्रक है है और और एक एक ट्रक ट्रक कहाँ कहाँ है है भाई? भाई? दो दो ट्रक ट्रक है है थी थी अपने अपने पास। पास। ये ये कैसे कैसे हो हो गया? गया? अपने अपने पास पास और और एक एक ट्रक ट्रक थी, थी, वो वो नहीं नहीं दिखाई दिखाई दे दे रही रही है। है। अगर अगर इसको इसको सेल सेल करें, करें, इसको इसको सेल सेल भी भी नहीं नहीं कर कर सकते, सकते, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर कर कर सकते सकते हैं। हैं। फिर फिर से से क्यों क्यों एरर एरर आ आ गया गया भाई? भाई? ऑलरेडी ऑलरेडी एक एक बार बार मैंने मैंने अपना अपना गेम गेम प्ले प्ले खो खो चुका चुका था, था, और और फिर फिर से से पता पता नहीं नहीं क्यों क्यों ये ये मुझे मुझे लग लग रहा रहा है है ट्रबल ट्रबल मेकिंग मेकिंग है। है। इसको इसको थोड़ा थोड़ा कलर कलर चेंज चेंज करवा करवा लेते लेते हैं। हैं। ब्लैक 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 कर कर ले, ले, या या फिर फिर कौन कौन सा सा करे करे दोस्तों? दोस्तों? रेड 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 कैसा कैसा रहेगा रहेगा भाई? भाई? ये ये तो तो पिंक पिंक आ आ रहा रहा है। है। दिस दिस इज इज पिंक, पिंक, दिस दिस इज इज रेड, रेड, या या फिर फिर मेरून। मेरून। ये ये काफ़ी काफ़ी लाइट लाइट कलर कलर है है यहाँ यहाँ पे। पे। हम हम डार्क, डार्क, तो तो मेरून मेरून कलर कलर रहेगा रहेगा आई आई गेस। गेस। मेरून मेरून कर कर लेते लेते हैं हैं इसको। इसको। हमने हमने अपने अपने ट्रक ट्रक का का स्किन स्किन चेंज चेंज कर कर लिया लिया है, है, और और एक एक ट्रक ट्रक मेरा मेरा था था वो वो पता पता नहीं नहीं कैसे कैसे गायब गायब हो हो गया। गया। फिर फिर से से गेम गेम अपडेट अपडेट के के बाद बाद मुझे, मुझे मेरे मेरे ये ये दूसरी दूसरी बार बार हो हो रहा रहा है है जो जो मैं मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम फेस फेस कर कर रहा रहा हूँ हूँ यार। यार। तो तो यहाँ यहाँ से से हम हम लेके लेके चलते चलते हैं हैं ट्रेमोला। ट्रेमोला। सिर्फ सिर्फ 3,500 रुपये साढ़े 3,000 रुपये हमको हमको मिलेंगे मिलेंगे इस इस डिलीवरी डिलीवरी के के लिए, लिए, और और डिस्टेंस डिस्टेंस है है 270 270 किलोमीटर। किलोमीटर चलिए चलिए उठा उठा लेते लेते हैं, हैं, पैसे पैसे बाद बाद में में देखे देखे जाएंगे। जाएंगे। फिलहाल फिलहाल जॉब जॉब उठा उठा के के चलते चलते हैं। हैं। तो तो हम हम लेके लेके जा जा रहे रहे स्टोन्स, स्टोन्स, डुबिगिन डुबिगिन से से ट्रेमोला ट्रेमोला 270 किलोमीटर,270 किलोमीटर, और और 6.5 घंटे6.5 घंटे की की ड्राइव ड्राइव हमको हमको मिल मिल रही रही है। है। ये वाला ट्रक भी सर्विस मांग रहा है। काफ़ी शोर है यार यहाँ पे। ट्रांसमिशन अपने आप ऑटोमेटिक भी हो गया यार, मुझे मैनुअल ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन पसंद पसंद है। है। ग्राफिक्स ग्राफिक्स में में तो तो ग्राफिक्स ग्राफिक्स हाई हाई रखा रखा हुआ हुआ है है फिलहाल। फिलहाल। ट्रक ट्रक गियर गियर मोड मोड मैनुअल मैनुअल हो हो चुका चुका है है अब। अब। स्टिफनेस स्टिफनेस थोड़ी थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा रखेंगे, रखेंगे, ट्रक ट्रक की की स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी भी भी ज़्यादा ज़्यादा रखेंगे, रखेंगे, फिर फिर इनका इनका सस्पेंशन सस्पेंशन भी भी ज़्यादा ज़्यादा रखेंगे, रखेंगे, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे स्टिफ स्टिफ चाहिए, चाहिए, झूलते झूलते हुए हुए ट्रेलर ट्रेलर और और ट्रक ट्रक पसंद पसंद नहीं नहीं है है ज़्यादा। ज़्यादा। चलो, चलो, ये ये हो हो गया गया अपना अपना सेट। सेट। यहाँ यहाँ से से निकलते निकलते हैं हैं फटाफट। फटाफट। इसका इसका वॉल्यूम वॉल्यूम भी भी मुझे मुझे लगता लगता है है काफ़ी काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा है है ट्रक ट्रक का। का। ट्रक ट्रक का का साउंड साउंड मीडियम मीडियम रखते रखते हैं, हैं, एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट का का भी भी कम कम रखेंगे रखेंगे ताकि ताकि
बारिश वगैरह हो तो ज़्यादा शोर ना आए। ट्रेलर का साउंड भी मीडियम रखेंगे, ट्रक का थोड़ा सा चलेगा। ओके हाँ अब ठीक है आई गेस। और ये लाइट कौन सी है भाई, रिवर्स गियर तो है ही नहीं, लाइट कैसे मतलब ये ब्लिंक क्यों आ रहा है। अब हो गया, देखो भाई ये भी ग्लिच था, ट्रक आगे जा रही है लेकिन रिवर्स का मतलब जो ब्लिंक होता है वो हो रहा था साउंड। हमने कर लिया गियर मैनुअल, और डीजल अपने पास लगभग काफ़ी है। ड्राइवर की स्लीप का क्या हाल है, ड्राइवर की स्लीप ज़रूरी है। टाइम हो चुका है फिलहाल सुबह के 10, तो अगर यहाँ पर ड्राइवर की स्लीप हम कंप्लीट करने बैठ जाएंगे तो यार काफ़ी लेट होने वाला काम है ये। फटाफट तो निकलना है हमको, लेकिन देखते हैं ड्राइवर की स्लीप कितनी देर तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, उतना कंट्रोल करेंगे, बाकी ऊपर वाले के ऊपर है। यहाँ पर मुझे लगता है बीच में तो कोई रेस्ट एरिया आएगा नहीं। पीछे देखो यार मस्त मतलब उड़ रहा है धुआं, क्या बात है, जस्ट मिस यार खंबा आ गया था। वो 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 काफी भयंकर काम है ये। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जस्ट मिस। ओह वाह, गया 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 गया, ओह वाह वाह, खतरनाक चैलेंजिंग ये वाला मुझे गेम प्ले लग रहा है यार। वाह सुपर्ब, क्या जा रहा है, देखो शेर ट्रक एकदम शेरनी की तरह पूरा जोर लगाए हुए, पूरा जोर लगाए हुए। ओ माय गॉड, ओ ये लो, ये कर लिया हमने सत्यानाश। रिवर्स ले ले भाई, कहाँ आगे जा रहा है। चलो यहाँ से और एक टफ सेगमेंट अपना स्टार्ट। अरे यार ये अटक रहा है, स्टक हो रहा था ये। हो गया आप सही, ऑलरेडी इंजन सर्विस मांग रहा है अपनी ट्रक का, पता नहीं क्या होगा, बीच में ब्रेकडाउन ना हो जाए यार, पूरा गेम प्ले बर्बाद हो जाएगा ये वाला, ब्रेकडाउन करवा दिया था। चौथे पांचवे पे चढ़ाएंगे इस ट्रक को, आगे का रास्ता जो है काफ़ी चैलेंजिंग है, हाई गियर पे उठा नहीं सकते इसको, चढ़ेगी नहीं, से अच्छा है छोटे गियर में भगाते रहो ताकि ग्रिप भी रहेगा और जो है इंजन का पावर भी लगा रहेगा। वाह वाह वाह, काम करते हैं थोड़ा, स्टीयरिंग व्हील का जो है अपना कैमरा एंगल वो भी चेंज कर लेते हैं, कहाँ पे आता है ये, यहाँ पे आएगा मुझे लगता है, फील्ड ऑफ व्यू को दूर रखते हैं, ठीक रहेगा ये वाला आई गेस। चलो ये वाला एंगल फिलहाल ट्राई करते हैं कैसा लगेगा। वाह, वर्चुअल मिरर की ज़रूरत नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा, कैमरा एनिमेशन ओके है, वर्चुअल नो, फिक्स मिरर की ज़रूरत भी नहीं है, सॉल ओके। और ट्रेलर लुकआउट, व्हील साइड नहीं चाहिए, रूफ नहीं चाहिए, बैक नहीं चाहिए, डन। कैसा लग रहा है दोस्तों ये वाला कैमरा एंगल, ज़रूर बताना कभी कमेंट में अगर पसंद आया तो। बीच में मैंने क्या रहा भाई, कैब लाइट हमने ऑफ रखी है, ऑन रख लेते हैं, कभी भी ज़रूरत पड़ती है कैब लाइट की, थोड़ी देर में अंधेरा भी हो जाएगा और बारिश हो गई तो अंधेरा पक्का हो जाएगा। वाह नो 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 भाई, नो 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 माय गॉड,
चढ़ा भाई चढ़ा भाई चढ़ा भाई, चढ़ा दे यार, गलती हो गई मेरे भाई, चढ़ा दे यार। अरे लेट्स गो मैन, ऐसा ना कर मेरे भाई। यार ये टो सर्विस मुझे नहीं बुलानी यहाँ पे, कहाँ फंस गया यार। चढ़ 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 जा यार, इसको अलग सा एंगल, मतलब चलो चढ़ा दे चढ़ा दे, अब चढ़ा दे। यस 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 यस, चढ़ा दे यार चढ़ा दे यार। डिफरेंशियल लॉक लगा लेते, ये लो अब देखते क्या होता। वाह वाह वाह, क्या हो रहा है ये देखो, क्या हो रहा है, डांस डांस हो रही है, ट्रक अपना कर रहा है पूरा डांस, डांसिंग ट्रक। ये या बेबी यो भाई, ऐसे करेंगे डीजल खत्म हो जाएगा यहीं पे, क्या करे इसका अभी। एक व्हील तो हवा में झूल रहा है। कमान 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 कमान, पुश पुश पुश, आ गया भाई, चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया। वाह, ओ यस ओ यस ओ यस ओ यस, चढ़ा दिया भाई चढ़ा दिया, ट्रक आपके भाई ने चढ़ा दिया। अरे वाह ओ वाह, डिफरेंशियल लॉक यहाँ पे हटा देते हैं क्योंकि स्टीयरिंग व्हील बाद में काम नहीं करता है डिफरेंशियल लॉक के साथ। चलो भाई अंदर बैठ के चलाते हैं चुपचाप सीधे सीधे रास्ते, बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया हमने, अब और नहीं। फ़ोटो तो एक चाहिए थी हमको, एक फ़ोटो ले लेते हैं यहाँ पे कहीं रोक के। गियर तो चढ़ा दे मेरे भाई, ट्रक अपना पूरा सर्विस मांग रहा है, पता नहीं कब तक दौड़ेगा, जब तक दौड़ रहा है तब तक दौड़ाएंगे, उसके बाद देखा जाएगा जो होगा। आगे चौथे गियर पे और देखो स्पीड हो गई ब्रेक डाउन, मतलब एकदम डाउन। वाह चढ़ा चढ़ा भाई चढ़ा भाई, बिना रुके चाहे कितनी भी स्पीड में चले लेकिन रुकनी नहीं चाहिए, जब ट्रक रुक जाती है तब हो जाता है मसला, तब या तो स्टक हो जाएगी या फिर मतलब अपने आप पीछे जाना शुरू कर जाती है। ओ लो ये वाला फिर से, ओ यस फैंटास्टिक, जबरदस्त था ये वाला ट्रेन, पूरा पूरा चढ़ाई पूरा चढ़ाई कर रही है अपनी ट्रक, गुड परफॉर्मेंस, वेरी वंडरफुल परफॉर्मेंस एंड मज़ेदार ड्राइव। यहाँ पे फोटो खींच लें क्या करें, धूप किस तरफ से आ रही है भाई, धूप से तो सीधी ऊपर से आ रही है, यहाँ पे कर लेते हैं फोटो। तो ये आ गए हम फोटो मोड में, यहाँ पे करते हैं इंक्रीज क्वालिटी को, यस। अरे भाई सीधा रखो, हाँ हाइट थोड़ी ऊपर, पक्का लोकेशन ठीक है, थोड़ा और क्लोज रखेंगे, थोड़ी सी हाइट नीचे ताकि रास्ता भी दिखना चाहिए नीचे वाला, फॉग अगर फुल कर दे तो भाई नज़ारा एकदम चेंज हो जाएगा। ओके ये क्या ओपेसिटी, अच्छा ये लोगों की ओपेसिटी है, चलो
ये मिल गया हमको हमारा थंबनेल। आई होप ये वाला काम आ जाएगा। चलो फटाफट अब यहाँ से निकलते हैं, टाइम पास बहुत कर लिया हमने। शुरू। काफी ऊपर चढ़ चुके हैं, थोड़ा सा और बाकी है बस। वैसे ये ट्रक जितना दिखता है बेसिक उतना मतलब मजबूत भी है यार, ऐसा नहीं है कि धोखा दे दे। अगर ड्राइवर को सही टेक्निक से इसको चलाना आता है तो फिर ये ज़बरदस्त ट्रक है ये वाला। टाइम हो चुका है 12 एकदम दोपहर के, और पीछे बढ़िया से मिट्टी उड़ रही है, हम चीरते हुए जा रहे हैं इस माउंटेन को। ले लद्दाख वाला पूरा ये माहौल है। बुलेट वाले यहाँ पे दिखते नहीं है क्योंकि यहाँ पे ट्रकों का राज चलता है। पूरा पूरा कंट्रोल है स्टीयरिंग के ऊपर, बस वही ज़रूरी है। स्टीयरिंग आपने सही से पकड़ा है तो कोई टेंशन नहीं। दिक्कत ये होती है जब मैं कैमरा बाहर की तरफ शिफ्ट कर जाता हूँ तब काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, मेरा कंफ्यूजन हो जाता है टर्निंग में लेफ्ट और राइट, तब जाके कोई डिच में गिर जाता है अपना ट्रक। और यहाँ पर अपना ऑफ रोड ख़त्म, अपना आगे आप प्लेन रोड। काफ़ी वाइब्रेट करता है ट्रक। ओ ये वाली तगड़ी टर्न है यार इस टर्न को। ओ ओ लग गया ट्रेलर लग गया उसको। चढ़ा दी चढ़ा दी चढ़ा दी चढ़ा दी चढ़ा दी भाई चढ़ा दी। ज़बरदस्त ये वाला है, क्या बात है। वो स्लिप हो रहा है, बैलेंस है भाई बैलेंस है, पूरा बैलेंस है। चलिए दोस्तों अब आ गए हम अपने प्लेन वाले रोड पे। ऑफ रोडिंग का सेगमेंट ख़त्म, यहाँ से राइट साइड को जाएंगे तो आएगा क्वेरी, वो भी काफ़ी ख़तरनाक है ये वाला सेगमेंट भी। लेकिन आज हम पहुँचने वाले एक नई वाली जगह, ट्रक का न्यू स्किन हमने डाला है, कलर चेंज किया है, लेकिन जब तक वॉश नहीं करेंगे तब तक हमको मज़ा नहीं आएगा उसका। वॉश करने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा लग रहा है धासु। प्यासे को पानी पिला दो दोस्तों, प्यासे को पानी पिला दो, धर्म होता है। ट्रक रोड के बीच में भगा रहा हूँ मैं, देखते ओ नीड टू स्लीप। चलो कोई बात नहीं, अब तो रोड पे आ चुके हैं और मुझे लगता है हाईवे पे कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी अपने को। हाईवे पे एक बार फटाफट से पहुंचते हैं और देखते हैं कोई पंप वगैरह मिल गया तो अपने ड्राइवर की स्लीप कंप्लीट हो जाएगी। ओ यार क्या है ये ट्रक, मतलब नीचे की तरफ क्यों जा रहा था भाई। आठवें गियर पे 93 की स्पीड है, कुछ ट्रकों की तो चौथे पांचवें गियर पे 100 क्रॉस कर जाता है। गियर डाउन करो भाई, स्पीड ही नहीं पकड़ रही है ट्रक अपनी। लगाया हमने सातवां, यार यहाँ पे स्पीड क्यों कम हो रही है। सेवेंटी सेवन पे आ गई यार, क्या दिक्कत है। ट्रक का परफॉर्मेंस पूरा डाउन क्यों हो रहा है, मुझे लगता है सर्विस मांग रही है अपना इंजन इसलिए। बिल्कुल मतलब स्पीड नहीं पकड़ रही है और परफॉर्मेंस तो ज़ीरो की तरह, मतलब डाउन हो रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है ब्रेक डाउन हो सकता है ट्रक का यार, कोई गारंटी नहीं इसकी। ब्रेक डाउन हो गया तो फिर मसला पड़ जाएगा,
पकड़ी भाई, स्पीड पकड़ी पकड़ी, ऊपर की तरफ जाए तो बढ़िया है, ऐसा नहीं कि धीरे धीरे नीचे आते जाए। ओए अरे यार, वहाँ तो स्टीयरिंग व्हील पकड़ के मतलब कंफ्यूज हो गया यार। अरे 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 अरे, व्हाइट कार वाला बढ़िया से ओवरटेक करके आ गया, तो खतरनाक। बारिश भी शुरू हो गई भाई, बारिश। वाइपर करते हैं ऑन, 3 नंबर का एकदम फास्ट। और हमारा ट्रक भी सर्विस मांग रहा है और ड्राइवर को भी नींद आ रही है, देखते हैं क्या होता है भाई। ये रिस्की मामला है, ये भी एक चक्कर होता तो चलता है, यहाँ पे 2 चक्कर पड़े हुए हैं। टाइम हो चुका है 1:30। ट्रक भाई अंदर से मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन है पावर भाई, ट्रक में पावर है। मतलब जो हमने चढ़ाया है स्टुटगार्ट ट्यूबिंगेन, सॉरी, बहुत ज़बरदस्त था। यहाँ पे लेना है टर्न, ट्रैफिक तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बहुत कम है। यहाँ पे एक्सीलेटर छोड़ देंगे, अपने आप जाएगी अपनी ट्रक धीरे 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 धीरे। गो, रोड हो गया फिसलन भरा। अब कोई डीजल पंप आए तो काम बने, ताकि जब हम रेस्ट ले सके तो फिर यहाँ का टाइम भी निकल जाए, मतलब जो बारिश हो रही है वो भी निकल जाए। बारिश में ट्रक वॉश हो, ओह वाह, ट्रक भाई बारिश में वॉश हो चुका है बढ़िया से, क्या बात है, फायदा हो गया भाई बारिश से, ट्रक हो गया वॉश अपना ऑटोमेटिक, क्या बात है पांडे जी। अरे आ गए, मैं गियर क्यों बढ़ा रहा है यार, मतलब गियर पे पूरा ध्यान रहना चाहिए अपना, मैनुअल चला रहे हैं तो। आरपीएम हो गया फुल हाई, अब करते हैं चेंज 8वें गियर पे, मतलब एकदम धीरे पड़ जा रही है अपनी ट्रक। वाह, अब नज़ारा कुछ बढ़िया आ रहा है बारिश के बाहर से, अंदर काफ़ी ज़्यादा ही उजाला हो गया था कैब लाइट का। हेड लाइट ऑन है लेकिन मतलब वहाँ पे उजाला ना के बराबर हो रहा है बाहर का। और ये करते हैं वैसे ओवरटेक बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, धीरे धीरे। ओके ओके ओके, फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल, फुल कंट्रोल है भाई। बिजली खड़क रही है खतरनाक वाली, ये कौन अपनी लाइन में आ रहा है भाई बीच में। ओ ओ ओ, क्रैश हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा भाई, धीरे धीरे धीरे। ये आगे वाला ऑलरेडी जंप मार रहा है, देखो ये ट्रक वाला ऑलरेडी जंप मार रहा था, नोटिस किया आपने। ओ क्या बात है यार, 125 की स्पीड है हम, वाओ, 8वें गियर पे वो भी। ऊपर जाएंगे तो कितना लगेगा, 8वां लास्ट ही गया इसमें। अच्छा, तो इस ट्रक में 8वां गियर लास्ट है भाई, तो उस ट्रक में होते 16 गियर, इसमें है 8 हाईएस्ट। लेकिन 8वें गियर पे बढ़िया से 125 की स्पीड दौड़ रही है मैन। ओ यहाँ पे टर्निंग, ब्रेके खींचो भाई, ब्रेके खींचो, ब्रेके खींचो, गियर भी डाउन करो क्योंकि चढ़ाई है। ये बस वाला भी पूरा स्लो कर चुका है, मोमेंटम हमारा बिगाड़ दिया इसने।
चलो भाई चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, गो गो गो। ट्रक हो गया भाई बढ़िया से वॉश अपना बारिश में, और अपना मरून कलर पूरा क्लियरली दिख रहा है। और बिजली देखो भाई, बिजली देखो कर रही है। टर्निंग टर्निंग नोटिस किया आपने, बड़ा खतरनाक टर्न मारा मैंने। वाह क्या नज़ारे हैं, फैबुलस, लुकिंग अमेजिंग। पूरा काफिला रुक गया पीछे हमारे, क्या ड्राइव जा रहा है वो। बस वाले भाई सॉरी सॉरी भाई, बस वाले को डिस्टर्ब कर दिया मैंने। बारिश हो गई बंद, चुपचाप अभी ड्राइविंग करेंगे भाई। बढ़िया मजा आ गया भाई सबको ओवरटेक करते हुए ऐसे, मतलब इस एंगल में पहली बार ओवरटेक किया है, लेकिन परफेक्टली अगर प्रैक्टिस करें तो मज़ा आ जाएगा, मतलब बढ़िया सा एक क्लिप मिल जाता है हमको। डीजल पंप अब तक नहीं आया भाई, कितने किलोमीटर हम क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी, 150 के ऊपर तो हो ही गया होगा टूबिंग गेम से यहाँ तक, लेकिन एक भी डीजल पंप नहीं है बीच में। स्लीप पूरी एम्प्टी है, ट्रक पूरा सर्विस मांग रहा है और डीजल भी लगभग ख़त्म होने वाला है, काफ़ी तंगी पड़ी है भाई डीजल की। उसी का है, यहाँ पे बोर्ड पे क्या लिखा है भाई, नया वाला मिलानो ट्रेमोला, नाइस। नए वाले मैप्स की तरफ हम अब बढ़ रहे हैं, देखते हैं कैसा होता है एक्सपीरियंस। ओ भाई ड्राइवर को पूरी नींद आ रही भाई, ड्राइवर खतरनाक नींद में है अभी भाई, रुक जा दो मिनट, डीजल पंप जैसे ही मिलता है भाई आपको पूरा आराम मैं दूंगा, थोड़ा सा मेरा साथ दे दो यार, अब
नए वाले मैप की तरफ जा रहे हो और आप ऐसा कर रहे हो यार, मतलब क्या ही बताए। उनको मैप में ये नए वाले रेस्ट एरिया भी ऐड करने चाहिए, क्योंकि हर दो सिटीज़ या फिर टाउन जो भी है उसके बीच कम से कम एक रेस्ट एरिया होना बहुत ज़रूरी होता। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, कितना लंबा हम आ चुके हैं लेकिन कोई रेस्ट एरिया नहीं है, तो ये तो गलत बात है ना, ये सरासर गलत है। अब ये जो सामने हम रोड जा रहे हैं ये सारा का सारा नया है इस मैप में। ये देखो भाई, ये सारा का सारा न्यू मैप, न्यू लोकेशन, न्यू सिटी, न्यू टाउन जो भी है सब कुछ न्यू है। लेट्स गो टू द न्यू प्लेस। नज़ारे तो बढ़िया बढ़िया मिलेंगे ज़रूर, क्योंकि काफ़ी सारी मतलब तारीफें ऑलरेडी हो रही थी लोकेशन आने से पहले, मैप्स वगैरह अपडेट्स आने से पहले काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही थी कि भाई नया मैप आ रहा है, नया मैप आ रहा है। तो इस मैप में हम, इस गेम प्ले में हम देख रहे हैं, ये क्या था भाई, अच्छा शिप है, क्या बात है यार, शिप की साउंड आ गई वहाँ पे यार, शिप। क्या बात है यार, अरे यार ये क्या हो रहा है यार, ट्रक ऑफ हो गया भाई। मैं नज़ारे लूटना क्या चाहूँ, मतलब ये तो मेरे साथ क्यों होता है। डिफरेंशियल लॉक लगा ले भाई, लगा लेते हैं, चलो चल 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 चल, उठ जा मेरे भाई, उठ जा यार, मत करना मेरे साथ ऐसा। यार अब मेरे पास टाइम नहीं है, फटाफट से टोर सर्विस बुलाते हैं और यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं नया मैप क्या क्या हमको दिखा रहा है। डिफरेंशियल लॉक ऑफ कर दिया, स्टार्ट एंड लेट्स गो। ये आगे वाली बिल्डिंग, ये पूरी न्यू लोकेशन लग रही है, इलेक्ट्रिक वायर वगैरह ये भी नया वाले डाले हुए हैं इन्होंने। लेट्स सी और क्या क्या देखने मिलता है। सारा कुछ तो नॉर्मल है यहाँ पे, यहाँ तक वही ट्रक 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 जा रहा है भाई, ट्रक जा रहा है। ओ वाह, ये भाई टोटली न्यू है, क्या बात है यार, अरे वाह, अरे रुक जा रुक जा रुक जा यार, ये आउट ऑफ कंट्रोल में तो हो, अरे वाह, दिस इज टोटली न्यू टू मी, पहली बार इसमें हम एंट्री मार रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे क्या क्या सिस्टम है, साइड में जाके क्या क्या करना है भाई, चेक इन वगैरह करना है, कुछ पेपर वगैरह दिखाना है या फिर, अच्छा रेस्ट एरिया है यहाँ पे ऑलरेडी, और ये क्या चीज़ है ये मालूम नहीं मेरे को, यहाँ पे अगर चलते हैं तो क्या आता है भाई। सामने देखो भाई, बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं बढ़िया से, ये क्या चीज़ है, यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। एक काम करते, पहले रेस्ट ले लेते हैं, हमारा ड्राइवर नींद मांग रहा है, लेकिन रेस्ट लेंगे तो फिर यार अंधेरा हो जाएगा, और अंधेरे के बाद मतलब क्या नज़र आएगा वहाँ का पता नहीं। चलो ब्रेकें खींचो यार, ब्रेकें खींचो, यहाँ पे इंजन किया स्टॉप, ड्राइवर को पूरी स्लीप हम कंप्लीट कर लेते हैं। वाह, ये हो गई ड्राइवर की स्लीप कंप्लीट, बैक टू गेम, यहाँ पे करते हैं ट्रक स्टार्ट, यहीं से देखते हैं शिप के अंदर एंट्री मार लेते हैं। लाइट ऑन करो भाई, लाइट ऑन, ये चले हम शिप के अंदर। वाओ मैन, दिस इज कम्प्लीटली न्यू इन द गेम,
के अंदर पहली बार ट्रक लोड कर रहे हैं। ओह माय गॉड, दिस इज अमेजिंग, मजेदार है ये। तो पूरा अंधेरा दिख रहा है, पत्ते दिख ही नहीं रहा है। टेबल लाइट ऑन कर लें। लो भाई आ गए हम शिप के अंदर। यहाँ पे है पे 500। अच्छा इसके 500 यूरो एक्स्ट्रा लगेंगे, डॉलर है भाई, यूरो नहीं है। पे कर लेंगे, चलो क्या हम पे। ट्रक के अंदर बैठे चुप हो रहा है। वाओ, क्या बात है। अंदर आए इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, लेकिन कुछ हमारा अब चल रहा है। जाने कितनी देर लेगा पहुँचने के लिए। कैमरा एंगल से ऐसे मालूम पड़ रहा है कि वो चल रहा है आगे, लेकिन हमारा सिर्फ अकेला ट्रक है भाई, पूरे शिप में सिर्फ अकेला हम हैं और कोई नहीं। यहाँ से उतर सकते हैं, मुझे लगता है ट्रक से उतर तो सकते हैं। ये लोग भाई ट्रक के अंदर, ट्रक से उतर गए। अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या नज़ारा दिखता है हमको। नीचे तो जा नहीं सकते, ये तो पूरा बंद है रास्ता, यहाँ पर एंड है। ऊपर जा कर देखते हैं भाई, ऊपर जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। जा सकते हैं। वाह, ये वाला दिन में भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मैं मतलब गलत टाइम पे आ गया, यहाँ पे रात है, समझ में अब तक कुछ दिखेगा नहीं। वो दूर वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, रास्ते दिख रहे हैं छोटे छोटे। रात के टाइम में मतलब बहुत कम है विजिबिलिटी, पानी की आवाज़ आ रही है चलते पूरी तरह से ऊपर। वो वाह नाइस। अरे हमारा ट्रक तो नीचे पड़ा है, मतलब दिख नहीं रहा है यहाँ पे। कितनी देर लगेगी इसको जाने में। चलो भाई ट्रक को एक्सप्लोर कर लिया है, ये रहा अपना ट्रक। टाइम हुआ है रात के 12:30, मतलब 12:45 बज रहे हैं। यहाँ पे अगर फोटो मोड करें तो फोटो में क्या आएगा भाई, फोटो में कुछ नहीं आ रहा, पूरा पूरा अंधेरा है, मतलब कुछ आने वाला नहीं है। ओके एक फोटो खींच लेते हैं। गोस्ट ड्राइवर, इस शिप का नाम है गोस्ट ड्राइवर। कितना देर लगेगा भाई, मैप में कुछ दिखाई दे रहा है, मैप भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। मैप कहाँ पे आएगा यार, मेरे को मैप भी दिखाई नहीं दे रहा, सीधा मेनू आ रहा है। अच्छा ये रहा मैप, तो मैप के अंदर हम कहाँ हैं फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा यार, जब पहुँचेंगे तो पता चलेगा। यार अफसोस इस बात का रहा कि मुझे दिन में आना चाहिए था ये वाला पूरा व्यूज देखने के लिए, लेकिन रात में आए हम। लाइटें मार लेते हैं ट्रक की। लाइट ऑन रखते हैं, ऑन ही थी। आगे वो ट्रक के अंदर है, ट्रक यहाँ पे चला सकते हैं या नहीं चला सकते। चला तो सकते हैं, लेकिन जाएगी कहाँ पे, कहीं जाएगी तो नहीं। ब्रेक खींच ली यहाँ पे, चलो एक बार पूरा पीछे ले लेते हैं ट्रक को। पीछे जाके फिर चेक करते हैं फोटो। अरे यार ट्रक मिल गया,
यार ये ग्राफिक समझ नहीं आया, मतलब इतनी सारी लाइट है लेकिन ट्रक अपना पूरा काला चला रहा है। दरवाजे भी खुल गया वहाँ पे, लेट्स गो। दरवाजा आगे खुला ना, पीछे तो नहीं खुला, नहीं भाई यही तक खुला। हम अपना ट्रक को शिप पे लोड करके आ चुके हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे ट्रक बिल्कुल मतलब अंधेरा दिख रहा है, तो इतना मतलब मज़ा नहीं आया। थोड़ा सा ट्रक का हमको लुक आ जाता तो बढ़िया से, यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है अपना ट्रक, यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं, यहाँ पे भी नहीं खींच सकते मुझे लगता है। और ये टाइमिंग क्या है भाई, वेटिंग मतलब किस चीज़ के लिए वो पता नहीं, मुझे लगता है शिप की टाइमिंग होगी, जब शिप आता होगा तभी हम मतलब शिप के ऊपर हम लोड कर सकते हैं अपना ट्रक। मैं रॉन्ग लेन में जा रहा हूँ, तो शिप को आने के लिए हमको शायद टाइमिंग के लिए उस मार्कर पे जाके वेट करना होगा, और उसके लिए भी शायद पैसे होंगे। लो भाई पोर्ट से बाहर निकले, बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं शिप के अंदर हम। मज़ेदार एक्सपीरियंस था लेकिन ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, इसलिए थोड़ा सा मज़ा अधूरा रह गया। और बाहर के नज़ारे देखने के लिए तो यार दिन का हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है। चलो काम करेंगे, रिटर्न आएंगे तब तो मतलब दिख ही जाएगा पूरा, तो हमको अगले ड्राइव में सब नया वाला जो रूट है वो क्लियरली दिखेगा। अब अंधेरे में कुछ दिक्कत तो है नहीं है, ये सारा देखो भाई पहाड़ तोड़ तोड़ के रास्ता बनाया हुआ है इन्होंने। अरे यार ट्रक मतलब क्यों नहीं चल रहा यार, सर्विस मांग रहा है बंदा यार ट्रक अपना। कम ऑन मैन, पुश पुश भाई पुश। पीछे समंदर का नज़ारा आ रहा है शायद, छोटी छोटी लाइटें दिख रही है हमको पीछे, वही शिप वाला। यहाँ पर लो फ्यूल का भी वार्निंग आ गया है, और रास्ते के साइड में मतलब अभी तक काम चल रहा है शायद, इसलिए फोन्स वगैरह अभी भी पड़े हैं। लेकिन भाई रास्ता बन गया और सामने आ गई ट्रैफिक, और डीजल पंप भी है शायद कुछ, थोड़ा सा दिख तो रहा है। एक ही चीज़ इस गेम में अच्छी नहीं लगती वो है रात का टाइम, मतलब कुछ दिखता तो है नहीं है, बस ड्राइव करते जाओ ड्राइव करते जाओ। ओके तो ये वाला मतलब पूरा टर्निंग है बड़ा सा, और यही है वो गोथाड़ पास मुझे लगता है। यहाँ पे मार्कर भी डाल दिया भाई, ध्यान से जाओ, पूरा यू टर्न है, यहाँ पे घर बना हुआ है, और ये पूरा मैप जो है रियल लोकेशन के ऊपर डिपेंड है। रियल लोकेशन एक जगह है दुनिया में ऐसी, यहाँ पे ऐसे कोने में घर बने हुए लंबे लंबे, और रास्ता मतलब ऐसे घूमते हुए जाता है उनके पास होके। चलो भाई डीजल पम्प आ गया, यहाँ पर करवा लेते डीजल फुल, देखते हैं यहाँ पे क्या प्राइस होगा, $2 से कम है या ज़्यादा है। स्टॉप इंजन तो फिल यूरोज है यहाँ पे 1.9, रेट कुछ थोड़ा सा फ़र्क है भाई, 1.8 हमने भरवाया है, ये 1.9 है, और सिटीज़ में हमको पड़ता है 2 यूरोज के ऊपर। चलो 1640 का हमारा आया डीजल। लाइटें फिर से ऑन, ट्रक ऑन। चलो ड्राइवर की नींद भी कंप्लीट है, ट्रक का डीजल भी फुल है, लेकिन ट्रक जो है अपना सर्विस मांग रहा है, और बाहर की तरफ पूरा नाइट है तो फिर इतना मज़ा नहीं है। जब दिन के टाइम आएंगे पूरा रास्ता हमको दिखेगा।
पीछे मिरर में ऐसा दिख रहा है मतलब समंदर चमक रहा है, लेकिन बाहर का कैमरा अगर ऑन करे तो छोटी छोटी सिर्फ लाइटें दिखती हैं हमको। अजीब है मामला ये। और हमारा और कितना किलोमीटर बचा है भाई, कुछ मतलब इसका है नहीं। 13 किलोमीटर दिखा रहा है अपना डेस्टिनेशन यहाँ से। वो सामने कुछ है मार्कर, यहाँ पे भी ट्रक मांग रहा है पूरी सर्विस भरपूर। परफॉर्मेंस बहुत ही लो है भाई ट्रक का, मतलब शुरुआत में जितना हम दहाड़ते हुए आ रहे थे उतना ही अब मतलब कमज़ोर पड़ गया देखो। और यहाँ पे सामने कुछ मार्कर है लेकिन ये है क्या, चौथे गियर पे भी नहीं चल रहा है यार, डाउन है यहाँ पे तो चल जा। यहाँ पे रेस्ट एरिया है एक, अगर जाते वक्त इसी रूट से जाएंगे, देखते हैं अगर ड्राइवर की स्लीप थोड़ी बहुत ज़रूरी हुई तो यहाँ पे रेस्ट करके जाएंगे। देखो कितना बढ़िया सा यहाँ पे रेस्ट एरिया इन्होंने यहाँ पे बना दिया था, लेकिन इतने लंबे रूट पे आए कहीं पे रेस्ट एरिया नहीं था यार। अच्छा होता अगर वहाँ पे हम पोर्ट के बाहर रेस्ट ना लेते, डिलीवरी होने के बाद मतलब पोर्ट से शिप से निकलने के बाद ही डिलीवरी लेते। नींद ट्रक पूरा जाम हो गया भाई, इतनी हालत ख़राब हो रही है अपनी। बिल्कुल भी नहीं चढ़ रही है ट्रक। और मिरर में देखो पीछे मतलब समंदर चमक रहा है, आसमान के ऊपर हम जैसे चल रहे हैं। अब ये 13 किलोमीटर कब निकलेंगे। और एक रेस्ट एरिया आ गया ऑपोजिट साइड में, और एक रेस्ट एरिया। जब ज़रूरत नहीं होती तब सारी चीज़ें एक साथ आएगी, जब ज़रूरत ज़्यादा होती है तब कुछ नहीं आएगा। लेकिन ट्रक यहाँ पे इतना स्लो क्यों पड़ गया है यार, बहुत ज़्यादा धीरे चल रहा है। 50 की स्पीड क्रॉस करना जैसे मतलब नामुमकिन सी बात है। यहाँ पे देखो भाई रोड का अभी तक काम चल रहा है तो आराम से चलते हैं धीरे धीरे। और आगे हमको दो रास्ते डिवाइड होते दिख रहे हैं। ये लो भाई एक और रेस्ट एरिया, यार कितने रेस्ट एरिया बना दिए एक ही जगह पे। यहाँ पे रास्ते डिवाइड हो रहे दो, सुबह के बज रहे 3। कब उजाला होगा यार, अगली ड्राइव में उजाला होगा तो अगली ड्राइव हम बढ़िया से करेंगे ज़रूर से। ये सारा रास्ता जो है आराम से देखते हुए जाएंगे, फ़ोटो खींचते खींचते जाएंगे, पिकनिक मनाते हुए। जो रास्ता डिवाइड हुआ है क्या ये हमारा मतलब दोनों तरफ से रास्ते अलग अलग जा रहे हैं, इसमें क्या वजह है, क्या खास बात है इसकी। कहीं हम नो एंट्री में तो नहीं घुस गए, अपना GPS तो इसी रास्ते पे दिखा रहा है लेकिन कार वाले सब उस तरफ से जा रहे हैं, क्या चक्कर है। अच्छा वो आगे जाके दूसरी तरफ जा रहा है भाई, ये सेम रास्ता नहीं है वो। यार मेरे ट्रक को हो क्या गया यार, चल नहीं रही है मतलब बिल्कुल, बात क्या है यार। पीछे ऑलरेडी काफ़ी सारी ट्रैफिक है, अच्छा ये क्लाइम है यहाँ पे, अभी अभी बोर्ड गया देखा हमने, चढ़ाई है, क्या पता उस वजह से अपना ट्रक नहीं चढ़ रहा है, हो सकता है। एक तो रात के वक्त में कुछ दिखाई नहीं देता है कि चढ़ाई है ढलान है क्या चीज़ है एक्चुअली। ओ भाई पूरी स्ट्रगल है, स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। और यही वाली वो जगह है जिसके फोटोज आ रहे थे लगातार कि भाई नया अपडेट नया अपडेट, देखो भाई इस जगह पे भी हम पहुंच गए।
लेकिन हमारी बदनसीबी है कि यहाँ पे हम कुछ देख नहीं पा रहे, क्योंकि तो टाइम है सुबह के 3:30, पूरा पूरा अंधेरा। ये गेम वालों ने यार सही नहीं किया, रातें लंबी लगती है, दिन छोटे लगते हैं इस गेम में। जैसे ही अंधेरा होता है मतलब इतना लंबा टाइम लगता है। चलो यार जल्दी पहुंच जाते हैं, जल्दी ड्राइव को ख़त्म करते हैं, फिर अगली ड्राइव में पूरा नज़ारा लूटते लूटते आएंगे हम बढ़िया से। इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है चौथा गेम काम ही नहीं करेगा। चौथा गियर तीसरे पे ही चल रही है बस ट्रक अपनी, जैसे ही चौथा मारता हूँ फिर से अटक जा रही है। और एक रेस्ट एरिया सामने, अब चौथा गियर मारते हैं देखते हैं। ये देखो भाई फिर से अटक गया, फिर से स्पीड नीचे जा रही है, 22 से 19 पे आ गई, 20 21, 22 चढ़ी चढ़ी चढ़ी, अब चढ़ी यार, अब चढ़ गई, अब चढ़ गई, वाह। एक और रेस्ट एरिया, वाह इतने सारे इन्होंने यहीं पे एक ही साथ रेस्ट एरिया दे दिए। काश दूसरे मैप्स मतलब दूसरी लोकेशंस पे भी ज़्यादा रेस्ट एरिया लगाते, जहाँ पे ढूंढते हैं वहाँ पे बिल्कुल मिलता ही नहीं है यार। ये काफ़ी तंग रास्ता है यार, काफ़ी तंग, मतलब पीछे तो ट्रैफिक की लाइन लगी हुई है मेरे। और यहाँ पर मना पता चल रहा है कि ट्रक चढ़ाई कर रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ट्रक में जोर नहीं है तो फिर कोई काम का नहीं है ये वाला रास्ता। और गलती से अगर यहाँ पे हैवी लोड लेके आ गए अपनी कैपेसिटी से ऊपर तो फिर तो आप गए, तो आपका सारा रास्ता वेस्ट जाएगा भाई, चढ़ ही नहीं पाओगे। देखो तो मुझे लगता है तीसरे पे पूरा रास्ता क्रॉस करना पड़ेगा मेरे को। बोर्ड भी ठीक से दिखाई नहीं दिया कितना मीटर है, कितना फीट है। कम ऑन मैन, कम ऑन। बस पहाड़ी पहाड़ है, पूरे पहाड़ है। तीसरे पे चढ़ा रहा हूँ मैं, और 13 किलोमीटर भाई 300 किलोमीटर के बराबर लग रहा है यार यहाँ पे, अभी जब से 13 किलोमीटर क्रॉस ही नहीं हुआ है यार। आधा घंटा हो गया हमको चलाते हुए ये वाला रास्ता। यहाँ पे बोर्ड है, ये क्या है, स्पीड ब्रेकर है आगे, यहाँ आगे दोनों तरफ रेस्ट एरिया लग रहा है मेरे को। कमान ओके, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर था भाई, बराबर इन्होंने डायरेक्शन लगा दिया है यहाँ पे मार्कर। कमान कमान कमान, पुश 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 भाई पुश। ट्रक का इंजन गर्म होके जल जाएगा यार, ऐसी मतलब गर्म करके हम चला रहे हैं ट्रक को। यहाँ पे गियर ऊपर कर दूँ यहाँ यार, चौथे पे तो बिल्कुल ही अटक रहा है ट्रक, नीचे आ रही स्पीड फिर से। से तीसरे पे चढ़ाते हैं, वो माय गॉड सबसे मुश्किल ये वाला मुझे लगता है ड्राइव है इस गेम का। बस अब थोड़ी दूर और जल्दी पहुंच जाएंगे भाई, यहाँ तक पहुंच गए, थोड़ा सा बाकी है अपना रास्ता। गाड़ी शोर मचाया अपनी लेकिन चल नहीं रही है, सिर्फ शोर मचा रही है। और एक रास्ता नीचे से भी जा रहा है, मुझे पता नहीं, वो नेक्स्ट टाइम हम ट्राई कर सकते हैं। अगर वो सेम डाइवर्जन होने के बाद यहीं पे मिल रहा है तो फिर वो ट्राई करने में क्या गलत है, एक बार उसको भी ट्राई कर लेना चाहिए, हो सकता है
उस रास्ते में इतना क्लाइम ना हो कि ये वाली जो ट्रक हमारी अब इतनी परेशान हो रही है वो कम हो जाए। बढ़िया सी सुबह हो रही है भाई, 4:30 पौने 5 बज रहे अब, और ये ड्राइव फटाफट से कंप्लीट करके अगली ड्राइव उठानी है ताकि पूरा ये जो रास्ता है हम डे टाइम में निकाल सकें, तो सारा मामला समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या बनाया इन लोगों ने। चलो भाई अपना पार्किंग आ गया, वेयर हाउस, बड़ी लंबी जंग पूरी रात लड़के अब पहुँचे यहाँ पे। इंडिकेटर दिखा देते और कर लेते पार्किंग। पार्किंग को स्किप तो नहीं करना है। क्या रिवर्स, अरे वाह, लगभग एक ही टाइम में हो रहा था लेकिन थोड़ा सा एरर हो गया भाई। सीधा करना पड़ेगा एंगल, अब करते हैं ट्राई। हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। वो थोड़ा सा डिफरेंस हो गया वापस। पार्किंग स्किप नहीं करनी है यार। सुपर्ब, कम ऑन। चलिए दोस्तों ये वाली पार्किंग हम कंप्लीट कर चुके हैं और देखते हैं अपना कितना पेनल्टी कटा है, क्या कटा है भाई। सिर्फ 2000 यूरोज हमको मिल रहे हैं इस ड्राइव के, पेनल्टी काट के, टाइम पेनल्टी, डैमेज की पेनल्टी 330 यूरोज पड़ी है। कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे और बढ़िया से कमाएंगे अगली ड्राइव में। मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो में दोस्तों। पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं ऐसी बढ़िया सी अगली वीडियो में ड्राइव में। और ये जो नेक्स्ट ड्राइव होने वाली है ये पूरा दिन का टाइम होगा, तो फिर आराम से पूरा हम मैप देखते हुए जाएंगे नया वाला अपडेट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।